सो है गाइस, कल के दिन निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर निफ्टी को आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको 15 मिनट के चार्ट का ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आज डेली चार्ट के ऊपर एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली, और दोस्तों इस नेगेटिव कैंडल में ये है कि दोस्तों यहाँ पर इस नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होता है तो दोस्तों यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 1700 का टारगेट। उसके बाद दोस्तों अगर 1700 को ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको 17000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो डाउनसाइड में आपको 16800 का टारगेट भी डेली बेसिस पे मिल सकता है। अगर दोस्तों इस अपसाइड में निकलती है, दोस्तों रिट्रेसमेंट हुआ और ये अपसाइड में निकलती तो दोस्तों ये 800 का लेवल ब्रेक करती है 17800 का लेवल, तो दोस्तों आपको अपसाइड में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों 18000 के आसपास भी जा सकता है। तो दोस्तों बी केयरफुल होकर यहाँ पर निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी को कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखने मिलेगा। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम को लिंक है जो अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग से पहले आपको इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई बताए दिए जाते हैं। आज के दिन दोस्तों लगभग 75 पॉइंट आपको ओपनिंग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद दोस्तों यहां पर मार्केट एक अपसाइड का मूव देने के बाद दोस्तों वापस आपको एक डाउनसाइड का मूव दिया, और दोस्तों डे हाई क्रॉस करने के बाद भी वापस दोस्तों डबल बॉटम बनाकर वापस अपसाइड की तरफ निकला और अपसाइड में काफी देर तक होल्ड में रहा। उसके बाद दोस्तों आपको डाउनसाइड का काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट दोस्तों कल के दिन गैप अप फ्लैट ओपनिंग और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग के बाद कैसे आप कल के दिन निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल कहां पर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो लेवल बन गया है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जोन का काम करने वाला है, यानी कि दोस्तों ये जो जोन है 680 से लेकर 720 के बीच, इसमें जब भी मार्केट आएगा तो दोस्तों एक रेंज बॉन्ड के अंदर ही रहेगा, इसको अपसाइड में ब्रेक करेगा या फिर डाउनसाइड में ब्रेक करेगा तो दोस्तों अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ और फ्लैट ओपनिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक करता है, मान लीजिए ये आज का लो ब्रेक करता है 520 और 522 के लेवल को ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको डाउनसाइड का एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों मार्केट 440 और 450 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों और भी ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको डाउन साइड में यहां पर जो लो लगा हुआ है यहां पर 400 के आसपास तो ये भी आ सकता है मार्केट, तो दोस्तों डाउन साइड में कुछ इस तरह का आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड का मूव दिखाता है, तो दोस्तों यहाँ पर अपसाइड में सबसे पहला स्विंग ये बना हुआ है 640 का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है जो कि दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर दोस्तों इसको ब्रेक करता है 720 के लेवल को तो दोस्तों आपको अपसाइड का एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों आपको अपसाइड में जो मूव देखने को मिलेगा वो मूव यहाँ पर आपको 880 के आसपास का एक मूव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से बैंक निफ्टी को निफ्टी को फ्लैट ओपनिंग के बाद ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गैप अप ओपनिंग होती है, मान लीजिए आज के हाई के आसपास ओपनिंग होती है, मैं जो कि रेंज बताएं इसी रेंज के अंदर अगर ओपनिंग होती है तो दोस्तों अपसाइड या फिर डाउनसाइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए क्लोजिंग से यहाँ पर ओपनिंग हुई यानी कि दोस्तों 400 के आसपास ओपनिंग हुई तो दोस्तों यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है तो दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड कर सकते हैं गैप अप और गैप डाउन के अंदर। बाकी दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे गैप अप गैप डाउन में ट्रेड करना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर दोस्तों आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग से पहले ही बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको इस चैनल के ऊपर भी मैं लाइव रहता हूं और लाइव मार्केट के दौरान मैं आपको बताता रहता हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो दोस्तों वो भी मैं लाइव मार्केट के अंदर बताता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मैं लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है, वो ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए। बाकी निफ्टी के लिए यही था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।